हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, किसी ने कमेंट किया था कि जिगी का डेली रूटीन शेयर करना, तो मैं आज वही शेयर करने वाली हूँ, फुल डे रूटीन। ये मॉर्निंग 6 बजे की वीडियो है। हम लोग आजकल 5:30 उठ जाते हैं और वॉक करने जाते हैं, तो जिगी भी हमारे साथ ही जाती है। वो अपना खेलती रहती है और हम लोग वॉक भी करते हैं। दोनों पिंक पिंक आए हैं। गाइस, ये वही शूज हैं जो मैंने आपको दिखाए थे शॉपिंग हॉल में। कंफर्टेबल है? बहुत कंफर्टेबल है। और क्या लोगे यार 300 रुपए में? सही बात है कि नहीं? 3 महीने पहनो, हटा दो। हाँ, अरे हम सब कर पाएंगे, तुम बताओ। तुम A few moments later, देखो नहा के आ गई है। अच्छा, ढक लो। ब्लोअर चलाए? अच्छा, गाइस इनको ठंडी लग। क्या करोगी? फैन ऑफ कर दिया है और ब्लोवर चला दिया है। अब ये खुद लोशन लगाएंगी जब तक मैं इनकी ड्रेस में नाश्ता लेके आती हूँ। और इनकी बॉटल भी रेडी है और ये इनका लंच बॉक्स भी रेडी है, जिसमें एप्पल और नमकीन चाट और ये बनाना। पहले नाश्ता। वेरी गुड जिगीशा। देखिए गाइस, जिगीशा मामा की सारी बात मानती है। आपका बच्चा नहीं मानता, शैतान है। मेरा बच्चा मानता है, पाउडर वेस्ट करता है मेरा बच्चा। चलो चलो पाउडर लगाएंगे। मेकअप करो, मेकअप करो। ये देखिए गाइस, जिगीशा को लग गया नेक पे, शोल्डर पे थोड़ा सा पाउडर, थोड़ा सा फेस पे भी। और क्या कर रही हो? लोशन लगाया है। गाइस, इनको कहीं से लगी है चोट, इन्होंने मुझे बताया नहीं है। ये पाउडर से दिख नहीं रही है आपको, रुको दिखाने दो। ये देखिए, यहाँ पे ब्लू निशान है जो कि मैंने कल देखा है, और ये चोट है। और अब शूज पहनने की बारी है, तो इनको फटाफट से शूज पहनाती हूँ। और टाइम हो गया है गाइस 7:40 और 7:45 का इनका स्कूल है। 2 मिनट लगता है बगल से स्कूल। तो बस मैं उसको स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। पास में स्कूल है, पर बच्चे इतने शैतान हो गए हैं आजकल, घर से तुरंत निकलने के बाद देखिए इनको प्यास लग गई। और स्कूल के गेट पे पहुँचने से पहले उसको पानी पीना था, बस वही पानी आनी पी के। फिर मैं वापस आ गई हूँ और यहाँ पापा देख रहे हैं न्यूज़। और पापा लोग को होता है ना न्यूज़ देखना होता है, तो बस मैं आगे काम में लगती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहा है 8 सुबह का और मैं जिगी को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ। जैसे कि आपको बताया मैंने कि पापा भी आए हुए हैं, तो बस मैं चाय बनाने जा रही हूँ जो कि मैंने चढ़ा दिया है इधर। और चाय बनाने के बाद फिर घर की साफ़ सफाई ये सब करूँगी, उसके बाद फिर बनाऊँगी लंच। और आप भी बने रहिए व्लॉग में, तो चलिए बनाते हैं चाय। चाय बनाने के लिए मैं इसमें अदरक के साथ साथ लौंग और काली मिर्च भी डालती हूँ। 2-3 लौंग हैं और 3 से 4 काली मिर्च हैं। इनको अच्छे से कूट लेंगे। और चाय के लिए सबसे पहले पानी और दूध मिक्स करके मैं बॉयल आने देती हूँ। उसके बाद चीनी चाय पत्ती डालने के साथ ही मैं ये अदरक और जो भी मसाले हैं वो भी डाल देती हूँ। और साथ साथ हम ब्रेड मलाई भी रेडी कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा हल्का नाश्ता हो जाएगा हमारा और पापा का, क्योंकि पापा खाना खाते हैं जिगी के आने के बाद 12:30 के बाद। तो तब तक के लिए ये, और फिर बीच में फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं या फिर का चाय वगैरह और पी लेते हैं। सो गाइस, अभी हो रहा है 12:23। 2 मिनट बाद मैं जाऊंगी जिगी को लेने, 12:30 उसकी छुट्टी हो जाती है। बस मैं उसको लेके आऊँगी, फिर उसके बाद देखती हूँ कि वो खाना क्या खाएगी, क्योंकि मैंने सब्ज़ी बना रखी है। अगर वो सब्ज़ी रोटी खाना पसंद करेगी तो ठीक है, दाल भी बनी हुई है, तो अगर वो दाल चावल खाएगी तो गर्म गर्म चावल बना दूँगी, और अगर वो रोटी खाने को हाँ करती है तो मैं उसके लिए रोटी बना दूँगी। दोनों ही चीज़ रेडी हैं, तो बस अभी जाते हैं उसको लेके आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे।
साइड में उधर ही साइड चलो। घर आते ही जिगी की मस्ती चालू हो जाती है, अभी कपड़े पहनने में भी बहुत टाइम लगाती है, इधर उधर भागती रहती है। और उसके बाद कपड़े चेंज करके वो ऊपर भाग गई और पार्क से आम लेके आई थी। एक आम का पेड़ लगा हुआ है वहाँ, रात में आम गिरते होंगे तो ये सुबह उठा के ले आती है वहाँ से, और वही लेके घूम रही है। बुआ के पास पहुँच गई है, खाना नहीं खाया है, कैरी ऊपर ही खा लेंगे तो उसका चलता है, वो ऊपर भी खा लेती है नीचे भी खा लेती है, जहाँ उसका मन करता है वहीं खाती है। आज इनकी बुआ ने दाल चावल बनाया है और ये देखो मीठा, ये मीठा नहीं है, ये चटनी है, आम और पुदीने की चटनी जो कि ये खाएंगी। भैया बुआ का बनाया दाल चावल बहुत अच्छा लगता है, आप सारे आम रखे अभी दिखा देंगे, पहले आप खाना खा लो। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं पार्क जाती हूँ। के तुरंत नहीं खाती जिग्गी, थोड़ी देर उसको खेलना होता है, फिर थोड़ी देर खेलेगी। अच्छी चटनी बनाई है, ऊपर आ गई, चटनी अच्छी आई है, चटनी अच्छी हो रही है, हां ये भी अच्छा है। बुआ भी अच्छा है, बुआ भी अच्छा है, बुआ ने तो बहुत अच्छा दाल चावल बनाया है। दादी के अब जब मैंने खा लिया बेटा खाना, तो देखो बहुत अच्छी बनाई है भाई चटनी, दाल चावल भी देखो ना, दाल चावल भी अच्छा बनाया, देखो ना खा के। देखो थोड़ी मस्ती और खाना खाने के बाद फिर 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में उसको सुला देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, खुद से सोने का नाम नहीं लेती है, तो ज़बरदस्ती करके लाइट्स वगैरह ऑफ करके उसको सुलाना पड़ता है, क्योंकि रेस्ट भी करना ज़रूरी है। अर्ली मॉर्निंग उठ जाती है छोटी बच्ची, तो 4 से 4:30 बजे के बीच में उसको दोबारा से उठाते हैं और फिर कुछ हल्का फुल्का खाने में देते हैं। कभी आलू खाती है, जैसे कि अभी आलू खा रही है, कभी फ्रूट्स खाती है, कभी ओट्स बना देते हैं, कभी दलिया बना देते हैं, ऐसा मतलब हल्का फुल्का नाश्ता वो खाती है। मीठी चीज़ें उसको पसंद नहीं है, मीठा उतना नहीं पसंद करती है, तो कुछ भी नमकीन उसको खाने को देते हैं। और थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद फिर थोड़ा सा एक्टिव होने के लिए उसको समय देते हैं, उसके बाद जिससे कि वो पढ़ाई वढ़ाई में मन लगा सके। थोड़ा फ़ोन देख ले रही है खाना खाते टाइम, वैसे फ़ोन अवॉइड करते हैं बट कई बार हमारे कंट्रोल में नहीं हो पाता है, तो बस उसके बाद हो जाता है पढ़ाई का टाइम। हेलो गाइस, मैं पढ़ाई कर रही हूं, तो आपको पता चलेगा नहीं कि नहीं कि हां ये एक मैं पढ़ाई कर रही हूं। ये देखिए जिक लिख रही है कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स, डेली अपना होमवर्क करती है, खुद करती है, मन से करती है ना। उसने कुछ उठाया होगा तो उसके हाथों में पेन हो गया है और वो अब कुछ काम नहीं कर पा रहा है, और मैं उसे बताशे खिला दूंगी। और ये इनकी प्यारी बहना जाएंगी उसको पानी पूरी खिलाने, चलो जल्दी होमवर्क करो फिर तभी तो खिलाओगी। नहीं तो बुआ खिला देगी, तो बुआ खिला देगी। ये कैसे बना रही हो, लास्ट वाला आपका गलत बनना है देखो। तो गाइस आज मैं जा रही हूं मुगो दादा को खिलाने, बताशा पानी पूरी गोलगप्पे। आप क्या क्या कहते हो गोलगप्पे को, पूछो इनसे, गाइस से पूछो गाइस। आप और गप्पे को क्या कहते हैं, कमेंट में राइट करिए, कमेंट करिए, कमेंट में राइट करिए। और ये इनका टॉय है, इसका नाम क्या है, इसका नाम राइट है, इस पे रख के दिखाओ जरा पंचिंग बैग। नहीं ये देखो इनका पंचिंग बैग है जो कि गिरता ही नहीं है।
आप मारो, देखिए ये गिरेगा ही नहीं, ये नहीं गिरेगा ना, प्यारा है ना, बहुत प्यारा है, कितना भी फेंको जो करो खेलो टूटता ही नहीं है ना। अरे भाई कितना भी आ रहा था, ऐसे ऐसे खींचा गया, तभी से सुलाओ देखो, स्लीपर पहनो और तब देखो सुलाओ, सुलाओ तो सोएगा ही नहीं, तो फ्रेंड्स आई रियली होप कि आपको जिगी का मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन अच्छा लगा होगा, नाइट रूटीन नहीं है इसमें। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।